नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश अधिकारी है और मैं सिक्किम से आया हूँ। और मेरी जो है मेनिस्कस टियर की प्रॉब्लम थी और ये लगभग 3 महीने पहले मैं अपने दादी को पीठ पे लेके बैठा था। तो उस टाइम में जब मैं दादी को पीछे ड्रॉप कर रहा था उस टाइम मैं गिर गया था। बस उसी दौरान ये प्रोसेस शुरू हुआ और मुझे 3 महीने लग गए। 3 महीनों में मैंने सिक्किम के सारे अस्पतालों में दिखाई और लास्ट में जाके मुझे इधर अपोलो हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। और यहाँ पर मैंने डॉक्टर विपुल विजय से फ़ोन पर बात की, उनसे कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने मेरी बहुत अच्छी तरह से सर्जरी करवाई। कल 15 तारीख को मेरी सर्जरी हुई और बिल्कुल मैं अभी ठीक हूँ और डिस्चार्ज होके आज मैं घर जा रहा हूँ। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विपुल विजय है। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स मेडिसिन का कंसल्टेंट हूँ। आज हम मिस्टर प्रकाश अधिकारी के बारे में बात करेंगे। मिस्टर प्रकाश जो सिक्किम में पुलिस में पोस्टेड हैं, उनको 3 महीने करीब घुटने में एक चोट लगी और जिसकी वजह से उनका घुटना एक पोजीशन में अटक गया और घुटने में दर्द शुरू हुआ। उसके बाद उन्होंने सिक्किम में काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखाया और दिखाने के बाद उनके घुटने में कुशन के अंदर चोट के बारे में उनको जानकारी मिली। कुशन, जिसको नॉर्मली मेनिस्कस के रूप में जाना जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है घुटने के बायोमैकेनिक्स के लिए, घुटने के रख रखाव के लिए। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया जिन्होंने, मैक्सिमम लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वो जो टूटा हुआ मेनिस्कस है उसको निकाल दिया जाए। जैसे जैसे हमारी मेनिस्कस के बारे में जानकारी बढ़ी है पिछले कुछ समय में, हमें ये समझ में आया है कि मेनिस्कस घुटने के अंदर काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि घुटने में प्रेशर मेंटेनेंस में बहुत काम करता है। आजकल फोकस स्पोर्ट्स मेडिसिन में सेव द मेनिस्कस की तरफ जा रहा है और उसी के अंतर्गत जब मैंने मिस्टर प्रकाश से बात करी तो मैंने उनको सलाह दी कि हमें एक बारी मिलना चाहिए, घुटने को एग्जामिन करना चाहिए और अगर मौका लगे तो घुटने के अंदर के मेनिस्कस को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम प्रोसीजर किया तो उनके घुटने का जो कुछ मेनिस्कस था वो पूरा का पूरा टूट कर घुटने के बीच में फंसा पड़ा हुआ था। इनफैक्ट वो 360 डिग्री घूम के फ्लिप होके घुटने में अटका हुआ था जिसकी वजह से घुटना पूरा सीधा भी नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में अगर मेनिस्कस को निकाल दिया जाए तो आगे जाके आर्थराइटिस होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, घुटना खराब होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। उनके केस में हमें स्पेशल टेक्निक आर्थ्रोस्कोपी की होल प्रोसीजर के थ्रू मेनिस्कस को रिपेयर किया और काफ़ी सारी स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करी जिसमें कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स और स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम उनके मेनिस्कस को वापस अपनी जगह पर बैठा पाए। इसके साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कोविड के चलते हम लोग काफ़ी सारी सर्जरीज़ को अब रूटीनली धीरे धीरे कोशिश करके शुरू कर रहे हैं। कभी भी कोई भी परेशानी को कोविड के चक्कर में हम लोग पोस्टपोन ना करें। प्रकाश जी को सही मेडिकल एडवाइस और सर्जरी मिलने में 3 महीने का समय लगा। हम अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में सारी प्रिकॉशंस, सारी केयर के साथ पेशेंट्स को सेग्रीगेट करके सर्जरीज अब शुरू कर चुके हैं और होपफुली हम लोग सारे पेशेंट्स को अटमोस्ट और बेस्ट केयर दे पाएंगे। धन्यवाद।